वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने अभी एक लॉन्ग एक्सप्लेन वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि क्यों मुझे एमसीयू का स्पाइडरमैन पसंद नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस वीडियो को एक बार जाके जरूर देखो। जब जस्टिस लीग का रीशूट चल रहा था और जॉस व्हेडन डायरेक्टर थे, तो उन्होंने गैल गैडोट से कहा था कि आपको एक सीन करना है जिसमें फ्लैश आपके ऊपर गिरेगा और फ्लैश का सर आपके दोनों ब्रेस्ट के बीच में होगा, और गैल गैडोट ने इस सीन को करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके रिप्लाई में जॉस व्हेडन ने उनको धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा। लेकिन फिर भी गैल गैडोट नहीं मानी और आखिर में जॉस व्हेडन को बॉडी डबल का यूज करना पड़ा। और इसीलिए हम इस सीन में देखते हैं कि जब फ्लैश वंडर वुमन के ऊपर गिरा था तब गैल गैडोट का चेहरा नहीं दिखाया गया था क्योंकि वो बॉडी डबल थी। लेकिन जॉस व्हेडन यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने गैल गैडोट के बिना इजाजत मांगे उनके कुछ चूतरों के क्लोजअप्स लिए थे, जो आप इस सीन में देख रहे हो यही सीन। और इस सीन को देखने के बाद गैल गैडोट काफी नाराज हुई थी। लेकिन जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग आई तब हमने देखा कि ये दोनों ही सीन उस मूवी में नहीं थे, क्योंकि जैक स्नाइडर जानते हैं कि कौन सा एक्टर कब कंफर्टेबल महसूस करता है, और इसीलिए शायद बाकी के एक्टर्स भी जैक स्नाइडर को सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग गैल गैडोट। वैसे आपका क्या ओपिनियन है जॉस व्हेडन के इस हरकत पर, कमेंट में बताना।